हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल पांडे जी की पाठशाला। दोस्तों, आज एक बार फिर से हम अपने चैनल पे वीडियोस डालना स्टार्ट कर रहे हैं और आज से हम फिर अपने क्लासेस रेगुलर रखेंगे और ये क्लासेस कंटिन्यू चलेंगे। अब दोस्तों, इन क्लासों में एक इंटरेस्टिंग चीज ये भी है कि अब से हम सिर्फ इंग्लिश नहीं बाकी अदर सब्जेक्ट्स पे भी ध्यान देंगे और उस पे भी गौर करेंगे। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ट्रांसलेशन के बारे में। जैसे कि हम पिछले सारे चैप्टर्स जो हमने पढ़ाए हैं, जितने भी क्लासेस किए हैं, उन सब में आपने गौर किया है कि हमने सारे चैप्टर्स तो खत्म कर लिए हैं। बेसिकली जो ग्रामर के जितने भी चैप्टर्स होते हैं कि जिनकी इम्पोर्टेंस होती है, विच आर रिक्वायर्ड फॉर स्पीकिंग इंग्लिश, तो वो सारे हमने खत्म कर लिए एक एक करके। जैसे टेंस हो गए, पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गए, कंजक्शन, बाकी जितने भी ऐसी चीजें हैं जो कि रिक्वायर्ड है, वो सारे हमने खत्म कर लिए हैं। तो अब हमें उसको इम्प्लीमेंट करना है कि कैसे हम ट्रांसलेट करेंगे, कैसे हम सेंटेंसेस बनाएंगे। ठीक है, वैसे हम एक बार पहले भी इस टॉपिक पे क्लास ले चुके हैं, कंप्लीट करा चुके हैं, बट एक बार फिर से हम ट्राई करेंगे और इस बार हम एक बहुत ही सिंपल फॉर्मूले के साथ आएंगे, एक बहुत ही सिंपल रूल से चलेंगे। ठीक है, तो हम उस रूल के अकॉर्डिंग आज स्टार्ट करेंगे कि कैसे और किस तरीके से हम किसी भी सेंटेंस का फटाक से ट्रांसलेशन कर सकते हैं इन इंग्लिश। ओके, सो दोस्तों, आज का जो हमारा फॉर्मूला है, ठीक है, वो फॉर्मूले का नाम है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, सिर्फ तीन चीजें आपको याद रखनी है। इन चीजों को याद रखने के बाद आप बहुत ही अच्छे तरीके से और बहुत ही सिंपली सेंटेंस को ट्रांसलेट कर पाओगे। जैसे कि हम देखते हैं कि कोई भी सेंटेंस, जो भी सेंटेंसेस हम एक्चुअली बनाते हैं, उसमें कोई ना कोई वर्ब तो होता ही है और सब्जेक्ट तो डेफिनेटली होना है। बिना सब्जेक्ट, बिना वर्ब के सेंटेंस कहाँ होता है? तो जब भी सेंटेंस में वर्ब होगा और सब्जेक्ट होगा, तो अगर ऑब्जेक्ट हुआ तो ओके, नहीं हुआ तो ऑब्जेक्ट यूज नहीं करेंगे, सिर्फ सब्जेक्ट प्लस वर्ब हो जाएगा। लाइक सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, दिस इज अवर द सिंपल फॉर्मूला थ्रू विच वी कैन ट्रांसलेट मेनी ऑफ द सेंटेंसेस इन इंग्लिश इन अ सिंपल वे। ओके, सो लेट अस बिगिन दिस। तो जैसा कि हमने कहा कि कोई भी जब सेंटेंस होता है हिंदी का, उसमें सब्जेक्ट होता है या फिर उसमें वर्ब होता है, तो हम उसमें ये देखेंगे कि कौन सा चीज क्या है और उसकी जगह पे हमको क्या यूज करना है। ठीक है, तो मान लीजिए हम एक सेंटेंस ले लेते हैं। यहां पे हमने एक सेंटेंस लिया है, तुम पुस्तकालय जाते हो। ठीक है, तुम पुस्तकालय जाते हो, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें हमारा फॉर्मूला पता है कि लगाना है, यही फॉर्मूला हमें लगाना है। तो हम पहले इसमें चूज करेंगे कि कौन सा वर्ड इसमें से किस प्लेस पे होता है। जैसे इसमें सब्जेक्ट कौन हो जाएगा? तुम, जिसके बारे में बताया जा रहा है वो है हमारा सब्जेक्ट, तो तुम सब्जेक्ट हो गया और इसका हो जाएगा इंग्लिश में यू। ठीक है, नाउ व्हाट्स द वर्ब, सब्जेक्ट हमारा मिल गया, नाउ वी विल लुक एट द वर्ब। सो वर्ब यहाँ पे क्या है, वर्ब यानी कि क्रिया, जो काम किया जा रहा है, तो काम क्या किया जा रहा है, जाना। ठीक है, तो ये आपका हो जाता है क्या, वर्ब। ओके, सो जाना का गो, सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, पुस्तकालय आपका। सो पुस्तकालय विल गो फॉर द ऑब्जेक्ट एंड इट्स लाइब्रेरी। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या उठाया था, सब्जेक्ट यानी यू, देन वर्ब गो, देन लाइब्रेरी, पुस्तकालय ऑब्जेक्ट, यू गो टू लाइब्रेरी। नाउ यू एक व्यक्ति के बारे में कहा जा रहा है ना, सिंगल पर्सन, सो यू गोस टू लाइब्रेरी। ओके, सो एक सिंपल मेथड से हमने बनाया, एक सिंपल सेंटेंस को ट्रांसलेट किया। नाउ वी विल लुक फॉर मोर हार्डर सेंटेंस। ओके, नाउ वी विल लुक फॉर अ हार्ड सेंटेंस एंड देन वी विल ट्रांसलेट इट अकॉर्डिंग टू अवर सिंपल फॉर्मूला। ओके, सो लेट्स थिंक अ सेंटेंस। ओके, दोस्तों ये है हमारा बड़ा सा सेंटेंस, एक लंबा सा सेंटेंस, हम इसको ट्रांसलेट करके देखते हैं ताकि फिर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। हमने एक सिंपल सेंटेंस बता दिया था पर एक लंबा सेंटेंस भी बना लेते ताकि आपको ज्यादा प्रॉब्लम ना हो जब भी आप ट्रांसलेट करो। सो आपके पिताजी विद्यालय में पढ़ाते हैं। ओके, आपके पिताजी विद्यालय में पढ़ाते हैं,
तो आप सोचो आपके अकॉर्डिंग इसमें से सब्जेक्ट क्या होगा। सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में बताया जाता है, ठीक है, जिसके बारे में बताया जाता है। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, किसके बारे में बताया जा रहा है, पिताजी के बारे में। तो पिताजी क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। ओके, नाउ आवर नेक्स्ट इज वर्ब। वर्ब मतलब क्रिया, कौन सा क्रिया हो रहा है यहाँ पे, पढ़ाने का। तो ये हो जाएगा आपका वर्ब, ठीक है। हमें सब्जेक्ट मिल गया, हमें वर्ब मिल गया, नाउ इट्स टाइम फॉर द ऑब्जेक्ट। सो ऑब्जेक्ट ये बचा हुआ हो गया, यानी कि विद्यालय में। तो ये आपका हो जाएगा ऑब्जेक्ट। नाउ वी विल ट्रांसलेट इट एंड पुट आवर सिंगुलर प्लूरल रूल्स, ओके, विद द टेंस। नाउ आपके पिताजी विद्यालय में पढ़ाते हैं, इसमें सब्जेक्ट हमारा हो गया पिताजी, टोटल आपके पिताजी। तो योर फादर, ओके, सब्जेक्ट योर फादर। नाउ वर्ब टीच, तो फादर सिंगुलर है तो टीच तो होगा नहीं, तो टीचर्स। ओके, ये मत भूलना कि जब भी हम वर्ब को प्लूरल करते हैं तो उसमें एस नहीं लगता। प्लूरल सिंगुलर ये दोनों में एक वर्ब और नाउन में डिफरेंस होता है। जैसे नाउन में जब आप प्लूरल करते हो तो एस या एस लगता है, लेकिन वर्ब में जब आप सिंगुलर रखते हो तब एस और एस लगता है। सो योर फादर टीचेस इन द स्कूल। सो यू गॉट हाउ टू ट्रांसलेट द लॉन्ग सेंटेंसेस इन इंग्लिश विद द हेल्प ऑफ दिस सिंपल एंड सो अमेजिंग फॉर्मूला। आपको कुछ भी याद नहीं रखना है, ठीक है, आपको कुछ भी याद नहीं रखना, बस ये फॉर्मूला, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, क्योंकि हर सेंटेंस में कोई ना कोई काम तो हो ही रहता है, उसमें कोई सब्जेक्ट होता है, कुछ ऑब्जेक्ट होता है, और कितनी बार होता है कि ऑब्जेक्ट नहीं होता है। लाइक इसी में अगर हम ऑब्जेक्ट हटा दें इसका, तो अब हमने यहाँ पे जो है ऑब्जेक्ट हटा दिया है, ठीक है। बहुत सारे सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिसमें कि ऑब्जेक्ट नहीं मिलते, आपको सिर्फ सब्जेक्ट और वर्ब मिलते हैं। तो हमने यहां से ऑब्जेक्ट हटा लिया, ठीक है। तो आप ये फॉर्मूला का ऑब्जेक्ट हटाइए, ओके। नाउ पुट योर सिंपल फॉर्मूला, जस्ट सब्जेक्ट प्लस वर्ब। तो सब्जेक्ट आपके पिताजी और वर्ब पढ़ाते हैं, तो योर फादर टीचेस एंड द सेंटेंस इज ओवर, दैट्स इट, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हम सिंपल सा तीन वर्ड्स का फॉर्मूला यूज करके ट्रांसलेट कर सकते हैं, ठीक है। और बहुत टाइम होता है कि ये फॉर्मूला पता है, लेकिन आपको एक चीज याद रखना है दोस्तों कि ये फॉर्मूला लगाने के लिए भी आपको टेंस की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। जब तक आपको टेंस नहीं पता होगा, आप ये फॉर्मूला पुट कर भी लोगे तो आपको प्रेजेंट पास्ट की प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। यू डोंट नो इवन द सेंटेंस कैन बी इन फ्यूचर टेंस और इट मे बी इन पास्ट टेंस, देन यू विल हैव टू यूज द फॉर्मूलाज फ्रॉम पास्ट टेंस, लाइक वर्ब का सेकेंड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म, पास्ट फॉर्म्स। तो इस तरीके से ना आपको सेंटेंस का ज्ञान होना चाहिए, आपको टेंस के फॉर्मूलाज कंप्लीट होनी चाहिए। और अगर आपको पता है तो दैट्स वेरी गुड, यू कैन डू इट बाय योर। एंड इफ यू डोंट नो अबाउट इट, यू कैन रीड इन द लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द चैप्टर टेंस, ओके। आप डिस्क्रिप्शन के लिंक में जाइए, वहां पे आपको टेंस का जो है लिंक मिलेगा, उस पर आप जाके पढ़ सकते हैं। और बहुत ही सिंपल तरीके से, बहुत ही शॉर्टकट में आपको पूरा फॉर्मूला डिटेल किया गया है, ठीक है। तो इस तरीके से आप ट्रांसलेशन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द सिंपल फॉर्मूला एंड विद द हेल्प ऑफ द टेंस, ओके। सो आज के लिए इतना ही, बाकी हम देखेंगे अगले क्लास में। और अगर आपको किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो, तो यू कैन सिंपली आस्क मी, यू कैन टेक्स्ट अस ऑन टेलीग्राम और इंस्टाग्राम। द लिंक ऑफ द आईडीज आर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन लिंक। आपको कोई भी क्वेश्चन हो या कोई भी चैप्टर रिलेटेड, नॉट इवन इंग्लिश, हिंदी, इंग्लिश, साइंस, एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन यू कैन आस्क, ओके। जस्ट टेक्स्ट अस द चैप्टर्स नेम, कमेंट डाउन योर चैप्टर्स नेम और योर डाउट नेम, अपने चैप्टर का नाम बताना है और बाकी हम करेंगे, ठीक है। तो यहां तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबा के अपडेट ऑन कर लें, ताकि आपको और भी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें।